किसानों की फसल कटकर तैयार हो चुकी है, लेकिन मौसम की मार ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। किसानों की मंडियों में पड़ी फसलें खुले में बरसात के पानी में भीग रही हैं, तो वहीं प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया है। हम बात कर रहे हैं सफेदों की अनाज मंडी की, जहां हर तरफ अव्यवस्था ही अव्यवस्था नजर आती है। यहां भगवान की मार से ज्यादा तो सरकारी व्यवस्था की मार है। किसान परेशान है। शेड वगैरह नहीं है यहाँ पर, कोई प्रबंध नहीं है, सड़कों के ऊपर क्यों गिर रहे हैं जी? वहाँ तो कितनी मुश्किल से हमने पकाई है, बहुत रियान के बाहर गिर रहे हैं, फसल खराब हो रही है बहुत ज्यादा। तो शेड वेड की कोई व्यवस्था नहीं, नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ, आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं है कहीं। मौसम में बहुत गड़बड़ी, बहुत परेशानी आ रही है, चकटाने में भी आ रही है, उसके बाद ही फसल निकालने में दिक्कत है, दो दो ट्रैक्टर तीन तीन ट्रैक्टर का जी टोचन करना पड़ता है, इसलिए फसल कच्चे रस्ते हैं जी। बहुत ज्यादा मौसम ने तो मार दी, पिछली बार किसान ने बहुत मुश्किल से फसल पाली थी, बच्चों की दाल, उसके लिए बहुत ही मुश्किल आ रही है। इसका कोई प्रबंध होना चाहिए, मंडियों में भी होना चाहिए, खुले में फसल गिर रही है, सड़क पे पड़ी है, कोई इसी तरह के कोई प्रबंध नहीं है। सड़कों में तो कहते रहते हैं अभी ये कर दिया हरियाणा में, ये कर दिया, कुछ नहीं करा सरकार ने, बहुत मुश्किलें बढ़ा दी किसान की। लेकिन सरकारी बाबू अपने दफ्तरों से लापता हैं। जब बाबू ही दफ्तरों में नहीं होंगे तो अव्यवस्था का फैलना तो आम बात है। खुले में पड़ी बर्बाद होती हुई फसल के साथ साथ किसानों और आढ़तियों के लिए इस मंडी में ना तो साफ सफाई की व्यवस्था है और ना ही रात के समय रोशनी की सुविधा है। आसमान की तरफ मुंह करके खड़ी ये लाइटें साफ दिखाती हैं कि सरकारी अधिकारियों का इस व्यवस्था की तरफ कितना ध्यान है। आढ़तियों का आरोप है कि मार्केट कमेटी के द्वारा कोई व्यवस्था मंडी में नहीं की जा रही, ऐसे में रात के समय आने वाली फसल को अंधेरे में उतारना और तोलना मुसीबत से कम नहीं। के बारे में सबसे कई बार हमने तो एक महीना पहले लेटर लिख दिया था, अपने सेक्रेटरी साहब को लिख दिया था, उनको और भी अपने SDO एक्शन साहब को सबको भेज दो, सर हमें जो है लाइट की बहुत समस्या है, पुरानी लाइटें लगी हुई सबसे बड़ी पुरानी है, जो जिनका लोड 400-500 वाट की है। हमारे हरियाणा सरकार तो पहले बोलती आ रही है भाई LED लाइट लगाओ, इनका खर्च ज़्यादा है, तो उसके बारे हमने तो पहले रेजुलेशन पास करके दे दिया था, अभी तक वो लगी नहीं, जो लगी है वो भी सुचारू रूप से चालू नहीं है, काफ़ी जगह अंधेरा रहता है, 3-4 दिन से जो है लाइट काफ़ी तंग है। रात को SDO साहब से बात हुई, कल आए भी थे, लेकिन फिर भी जो है सारी सुचारू रूप से लाइट चालू नहीं हुई, कई शेडों में समस्या है। अब ये तो जाना आपने लाइटों का हिसाब, अब जरा मंडी में पसरी हुई इस गंदगी को भी देख लीजिए। हर तरफ कूड़े के ढेर अनाज मंडी में साफ देखे जा सकते हैं। इन कूड़े के ढेरों से पानी की निकासी भी अवरुद्ध हो गई है, जिसके चलते मंडी में पानी भर जाता है। दो दिन पहले ये बारिश आई थी, हल्की सी बारिश थी, उसमें कैसे उनके सफाई करवाई, वो ढेर गंदगी कैसे लगे नालियों के सारे, आप मौके पर देख भी सको हो, हमने कहा था जी करवा दो, अब वो लग रहे हैं, कहाँ लग रहे बंदे पता नहीं जी, मैंने तो 3-4 बार बोल दिया जी इन्हें लगवा दो, चाहे मारे और बंदे कर लो, हम अपने और पैसे उगा के एसोसिएशन से दे देंगे, ताकि सफाई हो जाए, बारिश का मौसम चल रहा है, ताकि पूरी सफाई हो जाए। बिल्कुल, तो ये गंदगी नालियाँ रुका है, उठन आओ, ये नहीं देंदे, मीठी गोली दे के चले जाएं सर भाई जो है, हाँ जी हो जाएगा, करवा दिया, सीओर में काफ़ी परेशानी है। कौन देते हैं? गुप्ता जी हमारे जेई हैं, उनको कई बार बोल दिया जेई साहब इसको सीओर को सफाई करवा दो, हाँ जी सर करवाएंगे, लेबर लगाई थी वो छोड़ के चली गई, अब मशीन मंगवाएंगे, मैंने एक महीना पहले उनको कहने लगा था, लेकिन कोई काम उन्होंने ठीक तरह से करवाया नहीं। जिन लोगों ने अंदर से लगा दिए, जो ने स्टैग लग अंदर लगवा दिए, जो धान भरे गए थे, जो गेहूं भरी गई थी, अब जो खुल लिया उनको कुछ तरपाल ढक दिया, अब इसकी माया इसके ऊपर तो क्या हो सके। लेकिन यहाँ मौजूद मार्केट कमेटी सचिव का ये कार्यालय हर तरह की सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। हर रोज उनके कार्यालय में चकाचक साफ सफाई तो होती ही है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी ये पंखा यूं ही चलता रहता है, यानी कि कोई जहमत तक नहीं उठाता कि जब रूम में कोई नहीं है तो पंखे को बंद कर दिया जाए या फिर बिजली की बर्बादी को रोका जाए। अब जिस अधिकारी के पास इस तरह की सुविधाएं हो, वो भला बाहर जाकर लोगों की समस्याओं को क्यों देखेगा। वहीं मंडी से जुड़ी इन सभी समस्याओं को लेकर हालांकि मार्केट कमेटी सचिव से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन मार्केट कमेटी के चेयरमैन विक्रम राणा से जरूर बात हुई। उन्होंने कहा कि वो हर तरह की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, अभी अभी उन्होंने लाइटें भी लगवाई हैं, सफाई के लिए कर्मचारी भी तैनात कर दिए हैं। सब बात ऐसी है, साफ सफाई का पहले हमने सेंटरों की सफाई कराई है, अब यहाँ भी लगा रखे हैं, साफ सफाई की किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, और 10 बंदे हमने लगा भी रखे हैं सफाई के, और दो दिन में ये सारी मंडी साफ दिखाई देगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहले भी सफाई कराते रहे हैं। और लाइटिंग का क्या है? लाइटिंग की थोड़ी बारिश की वजह से हुआ के कारण थोड़ी खराब हो गई थी, वो कल 20 लाइट लगवा दी हैं,
और जहाँ जरूरत भी नहीं थी वहाँ भी लगवाई है लाइट, और जो और जरूरत होगी तो कोई उसको भी लगवाने की कोशिश करेंगे, ताकि अड़ती को किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने। अगर चेयरमैन साहब की इन सभी बातों को मान लिया जाए तो ऐसे में ये सवाल उनसे पूछना लाजमी है कि जब सफाई कर्मचारी लगा दिए गए तो मंडी में ये गंदगी क्यों, और जब लाइटें लगवाई गई तो ये लाइटें खराब क्यों। सवाल और भी हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। ऐसे में अब देखना होगा कि अपने दफ्तरों से अनुपस्थित रहने वाले ये अधिकारी और आश्वासन देने वाले मंत्रियों का ध्यान सफेदों की अनाज मंडी में फैली इन अव्यवस्थाओं पर कब जाता है। सत्य खबर के लिए सफेदों से सत्यदेव शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।